Mr. David. Sir. In my 25 years of experience, I have seen many such players. The visuals are right in front of my eyes. क्यों रे, बारिश होने वाली है, एक मैच खेले क्या? क्यों खेले क्या? हाँ, खेलते हैं। अगर ये लोग ऐसे हैं तो इनका कोच कैसा होगा? David, call the boys. Okay, sir. May I know your name, please? Sarathi. Sarathi. Oh, Rath Sarathi. That's more appropriate. You're leading the team to success. The 50 cent of this land you have cultivated with their hard work, the training, wonderful. हमारे देश में खो-खो बस एक business नहीं है सर. यहाँ की मिट्टी में जन्म लेने वाला खेल भी है. Every person practice at least one game in life. It's not for the golden prize they win. But for the golden life, because the main strength of our health is our immunity. Well said, wonderful. Well, looking at your motto, I would like to make the way you have worked hard with your team, I would like to make a film on you and your team. Film kyon sir? Hamari team jab national khelegi, tab live telecast dilwa dijiye. Wonderful, impressive feeling, though it is difficult, but I'll try my best, my boy. Thank you, sir. See you later. बोलो सपना, क्या कर रही हो तुम? हाँ बोलो ना। सो गई थी क्या? नहीं, पीपीटी प्रिपेयर कर रही हूँ। ऑफिस के पास ठीक 11 बजे पहुँच जाना, वो फिर से राउंड के लिए जाने वाला है। एक मिनट भी लेट किए बिना आ जाऊंगी। ओके बाय। क्यों बेटी, सपना का फोन था? दूध पी लो बेटी, बात करने के लिए ताकत भी तो चाहिए। सिर्फ बातों से ही सारे काम नहीं हो जाते माँ, कुछ काम खामोश रहने से भी होते हैं। किसी की बात नहीं मानती। आंटी मुझे भी कॉफी दो ना। इतना ही नहीं पापा, लाइब्रेरी साइलेंट होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की किताबों में कोई टॉपिक ही नहीं है। नहीं ना, हम सबको मिलकर नेचर को बचाना ही होगा। अगर सरकार हर एक साल हर घर में पौधा सप्लाई करेगी तो भी पेड़ नहीं बन पाएगा।
हर कोई अपने काम में व्यस्त है। ओहो, मैं नए पौधे लगाने के लिए नहीं कह रही हूँ, जो पेड़ पौधे हैं उनको बचाने के लिए कह रही हूँ। हेलो मैडम, पहले तुम बचे हुए सब्जेक्ट क्लियर कर लो, उसके बाद नेचर को बचाने की बात करना। तुम बस बातें ही करते रहना, खाना खाकर जाओ बेटी, कम से कम थोड़े से फ्रूट से खा लो। नहीं माँ, खा लो, मेरा टाइम हो रहा है, मुझे ड्रॉप कर दोगे क्या? नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरी प्रेस मीटिंग है। ठीक है, मैं स्कूटी लेकर जाती हूँ, मेरा काम खत्म होने के बाद कॉल करती हूँ। बाय पापा। हाय सर, आपके अपॉइंटमेंट के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी मैं। बात क्या है बेटी, वो बताओ। सर, आप भगवान को मानते हैं क्या? हाँ मानता हूँ। सभी को मानते हैं या सिर्फ कुछ ही को मानते हैं? कोई भगवान हो, मैं सबको मानता हूँ। थैंक यू सर। प्रकृति में जो खतरा आ रहा है उसके बारे में हमारे पुराणों और ग्रंथों में लिखा हुआ है। तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वही तो सर, भगवत गीता, स्मृति, श्रुति, काल ज्ञानम, ज्योतिष, ऐसे सभी ग्रंथों में पर्यावरण से संबंधित सभी खतरों के बारे में पहले ही लिखा गया है। क्या लिखा गया है उसमें? आने वाला कार्तिक नववर्ष बहुत ही खतरनाक है सर। 1945 में दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद आई भारी सुनामी, उसके बाद सन 2006 में आई थी जल प्रलय, बहुत ही बड़ी थी। तो फिर मुझे क्या करना होगा? 2024 से लेकर 2026 के बीच में आने वाली जल प्रलय बहुत ही भयंकर होगी सर, वो कहीं और नहीं है सर, हमारे आंध्र प्रदेश के मेरुल, विजयवाड़ा, कृष्णा नदी के साथ 14 नगरों को डुबा देगी सर। पहाड़ के ऊपर कनका दुर्गा माँ की मूर्ति डूब जाएगी सर। अब आप ही बताइए सर। ये तो है, मैं बचपन से ये सब सुनता आ रहा हूँ, तुम्हारे पास इस समस्या का कोई हल है? है सर, सरकार ने हमारी गाड़ियों के लिए बड़े बड़े रोडों का निर्माण किया है सर, पर पानी की समस्या के लिए नदी को चौड़ा नहीं करवाया, प्लास्टिक भी क्लीन नहीं किया, रिजर्व पानी का निर्माण भी नहीं किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत ऐसी जमीनें हैं जहाँ पानी भी नहीं पहुँच रहा, कुछ रिजर्व में पानी जमा रहता है, उसे बाहर भी नहीं छोड़ते। मेरे पास जो प्लान है वो आपको मेल करती हूँ। ठीक है, मैं अपने सीनियर ऑफिसर से बात करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। गांव के खेलों को रुके, प्लीज रुक जाइए। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऐसे खेलों को सपोर्ट कर रही है, फिर ऐसे धरने पे बैठने का क्या कारण? ये हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, लोगों को पता चले इसलिए कर रहे हैं। हम सारे लोग संघर्ष करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, ऐसे गांव के खेलों को प्रोत्साहन देना ही होगा। यहाँ हम सब इसलिए नहीं है कि हमारे पास काम नहीं है या फिर पब्लिसिटी चाहिए, एक पीटी के तौर पर बाकी लोगों को भी खेल की महानता के बारे में बताना मेरी जिम्मेदारी है। मिट्टी के खेलों को प्रोत्साहन देना होगा, गांव के खेलों को मिट्टी के खेलों को प्रोत्साहन देना होगा, गांव के खेलों को। हेलो हेलो भैया, मैं आ गई। कहाँ हो तुम? प्रोत्साहन देना होगा, गांव के खेलों को। ठीक है, मैं यहाँ धरने पर बैठा हूँ, तुम अंदर आ जाओ। आ रही हूँ। प्रोत्साहन देना होगा। ठीक है, प्रोत्साहन देना होगा, गांव के खेलों को प्रोत्साहन देना होगा। खेलों को प्रोत्साहन देना होगा, मिट्टी के खेलों को प्रोत्साहन देना होगा, मिट्टी के खेलों को प्रोत्साहन देना होगा, गांव 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 के खेलों को प्रोत्साहन देना होगा। हेलो, ये क्या है? इसमें गलत क्या है? वही, यहाँ पर क्या हो रहा है और तुम क्या कर रही हो? हमें जीने के लिए ये खेल नहीं खेलना, ये नेचर भी इम्पोर्टेंट है। अभी तो नहीं, पर तुम एक काम करो, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लो, क्योंकि मैं खेल कहूँगा और तुम नेचर कहोगी तो ये सारे लोग, ये मीडिया वाले कंफ्यूज हो जाएंगे। असल में ये सब बोलने वाले तुम कौन होते हो? मेरी मर्जी है, मुझे जो ठीक लगेगा वो करूंगी। हेलो, इतना ओवर क्यों कर रही हो तुम? लड़की हो ना, पब्लिक में ना थोड़ा दब के रहना चाहिए। ए, क्या करोगे बोलो, जो करना है कर लो, मैंने लॉ बुक्स भी पढ़ी हैं, केस किया ना तो अंदर चले जाओगे। सुनो, आएगा मर्दों को सपोर्ट करने वाला लॉ भी आएगा, वो भी तुम जैसों की वजह से ही आएगा।
याद रखना, जरूर आएगा। हाँ हाँ, जब आओगे तब देख लेंगे। जाओ जाओ, हाँ, जाओ। देख लेंगे। बॉयज, इस गेम में 7 मिनट्स चेजिंग एंड 7 मिनट्स रनिंग। चेजिंग जो है वो हमारे हाथ के 5 उंगलियों की ताकत के बराबर होती है, और जो रनिंग है वो सिंगल फिंगर के बराबर होती है। लेट्स कम टू द चेजिंग। यहाँ पर 8 लकीरें होती हैं और पूरे 9 प्लेयर्स होते हैं। वीक प्लेयर किसी को इस पोल के पास रहना होगा, एंड टू स्पॉट्स ये मेन स्पॉट्स हैं, और बाकी के जो हैं वो है डायनेमिक केसेस, एंड दिस इज द मेन डायनेमिक प्लेस, दिस इज द हार्ड कोर। गेम के स्टार्टिंग में फर्स्ट पोल के पास वीक प्लेयर को होना चाहिए। डायनेमिक प्लेस में रहने वाले हर प्लेयर को 1 मिनट की स्ट्रेंथ रखनी ही होगी। स्ट्रेंथ जब कम हो जाए तो वीक प्लेसेस में चले जाना होगा। वीक प्लेसेस में जो प्लेयर हैं उन्हें 1 मिनट तक भगाओ, तब वीक प्लेस में जो प्लेयर होंगे वो अपनी आंखों को, हाथों को, पैरों को अपने माइंड से कंट्रोल करेंगे। यहां जो कोई भी रनर हो मैक्सिमम 3 मिनट खेल पाएगा। उसकी स्पीड को चेजर को अपनी आंखों से ही कम करना होगा। फर्स्ट 40 सेकंड्स में एक प्लेयर का ही पीछा करना होगा। ये देखने के बाद दोनों प्लेयर्स फर्स्ट प्लेयर को आउट करने के बाद ही हमारे पास आएंगे। 40 सेकंड्स के बाद फर्स्ट प्लेयर को छोड़कर बाकी के बचे 2 प्लेयर्स के प्रति स्पीड बढ़ानी होगी। तभी उस गति से उनके दिल में एक डर सा पैदा होगा और कंफ्यूज होकर वो आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट फर्स्ट प्लेयर को बेस्ट डाइव के साथ डराकर आउट करना होगा। ये देखकर सेकंड बैच को मैदान में उतरने से पहले एक कपकपी हो जाएगी। वीक प्लेसेस में रहने वाले प्लेयर्स मैदान में उतरेंगे तो रनर्स डरे हुए हैं, इसलिए ये वीक प्लेसेस में होने वाले प्लेयर्स से ही इस 1 मिनट में ही तीनों आउट हो जाएंगे। ओल्ड डाइव से बॉडी को हिला दे ऐसा आउट करेंगे तो तीसरी बैच भी कांपने लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी तीसरे बैच में भी प्लेयर्स ही होंगे। उस बैच में जब आप कदम रखोगे तब उनके पैर कांपने लगेंगे और तब वो जल्दी आउट हो जाएंगे। मेरे हिसाब से अगर ऐसा करेंगे तो 4 मिनट में सारे के सारे आउट, बाकी के बचे 3 मिनट। इस हिसाब से अगर आप गेम स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे तो विजय सिर्फ तुम्हारी ही होगी। अब बात है रनर्स की, तो रनर्स शेरों के बीच हिरन जैसे होते हैं। अब भूखे शेरों को खाने की जल्दबाजी तो होती है पर सूझबूझ नहीं, सो हिरन को अपनी सूझबूझ से निकलना होगा। यहां के जो चेजर्स होते हैं वो शेरों की तरह होते हैं। एक रनर मैक्सिमम 3 मिनट खेल पाया तो विन होने के चांसेस होते हैं। चेजर्स के बीच में रनर्स को लाइन के द्वारा ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। फ्री स्पेस में आएंगे तो पक्का आउट हो जाएंगे। सो दिस इज द रनर प्लान। सो एक हिरन को एक शेर के आगे अपनी जान त्यागने की बजाय, उसके साम्राज्य में आ ही गए हैं तो वहां के बहुत सारे हिरनों के लिए आदर्श बनना होगा। एक बात याद रखना, अभी जो उम्र है वो दोबारा लौट कर नहीं आएगी। पैदा होने वाला हर इंसान कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। बहुत से लोग छोटी उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। सो अगर तुम लोगों को कुछ हासिल करना हो तो अभी इसी उम्र से ही शुरू करना होगा। आप गांव के बाहर पहाड़ पर एक ब्रांच ओपन कर रहे हैं ऐसा मैंने सुना। अगर वहाँ स्कूल बनाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। बेटी, लेकिन हम वहाँ स्कूल बनाएंगे तो एजुकेशन के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट होगा। हाँ सही बात है, आपने वहाँ स्कूल बनाया है इसीलिए वहाँ पर कोई घर बनाएंगे। सब कुछ आ जाएगा तो फिर नेचर के लिए बहुत दिक्कत होगी, वहाँ का सारा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। एक बार सोच कर तो देखिए। कहाँ है? ऑलरेडी एनवायरनमेंट का इतना नुकसान हो रहा है। यस, मैं बाहर ही हूँ। हमें ध्यान देना चाहिए। कोई बात नहीं यार, मैं बाहर ही हूँ, तू बस जल्दी आ जा। ओके। बाय द वे, काम क्या है बता? चिन्ना के सिस्टर के काम से आए हैं। मैंने तुझे कितनी बार कहा है, जब वो होगी तो मुझे बुलाना मत। अरे यार प्लीज छोड़ना, जाने दे। ठीक है, तू जल्दी आ जा। ऑनलाइन क्लास देने के लिए हमने आपसे कहा था क्या? हम फीस नहीं भर सकते। क्या बात क्या है? मेरे बच्चे की 20 दिन से सेहत अच्छी नहीं है सर। ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं किया फिर भी फीस भरने के लिए मेरे बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं सर। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, ये सब हमारी किस्मत है सर। आप आइए मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, आपके स्कूल का ब्रोशर मुझे दे सकती हैं?
यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर लग रहा है इसमें जो पॉइंट लिखे हैं उस पर अमल करते होंगे। हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं सर, इसीलिए हमारा स्कूल शहर में सेकंड पोजीशन पर है सर। गुड। हमारे स्कूल में पढ़ने से अच्छी जॉब भी मिलती है सर। जॉब्स? जॉब किस लिए मैडम? जॉब होगी तभी तो लाइफ में खुश रह सकते हैं ना। खुश रहने के लिए तो स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए ना मैडम, और स्वास्थ्य ठीक होने के लिए कोई खेल भी तो खेलना होगा। कहाँ खेल रहे हैं ये? ऑनलाइन खेल रहे हैं या फिर कैंपस में खेल रहे हैं? कहाँ पर? आपके कॉर्पोरेट फायदे के लिए ऑनलाइन क्लास के नाम पर दिन भर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में और एंड्रॉइड फोन में और इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर बिठाकर बच्चों का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, लेकिन कभी कम से कम एक बार भी उनके बारे में सोचा है आपने? अभी के हालत में इंसान जीने के लिए न जाने क्या क्या करता है, तरह तरह के योग, अलग अलग खेल और एक्सरसाइज करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। वो सब छोड़कर अनजान और मासूम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर उनमें जो थोड़ी बहुत इम्यूनिटी बची है उससे भी मार रहे हो। एक तरफ बेचारे बड़े बुजुर्ग ये बात कह रहे हैं कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आप लोग उन लोगों को हिम्मत देने की बजाय बची खुची उनकी हिम्मत भी तोड़ रहे हो। इंसान ही हो ना आप लोग। वैसे आपके स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है क्या? नहीं है सर। मतलब मैं कुछ समझा नहीं? कुछ नहीं है सर, एवरीडे बच्चों को बस के जरिए टाउन के स्टेडियम में ले जाकर वहाँ खिलाकर उसी बस में वापस लेकर आते हैं सर। ओह, ये बात है। थोड़ी देर पहले मैं दीवार पर चढ़ा था, विशाल वातावरण, अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्वास्थ्य, आखिर में आपके बच्चों की जिम्मेदारी हमारी भी तो है। आपने कहा था इनका बच्चा ऑनलाइन क्लास में अपसेट था। ओके, फीस भर देंगे क्योंकि आप यहाँ अच्छे से पढ़ाते हैं इसलिए। वहीं आपके रैंक के प्रेशर की वजह से अभी उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों को हफ्ते में एक बार भी स्टेडियम में ले जाकर खिला नहीं रहे हैं। उसकी हालत के जिम्मेदार आप हैं, आपके स्कूल की तानाशाही है, इसलिए ये फीस भी अब आपको ही हमें देनी होगी। हेलो चेयरमैन साहब। बोलिए। मैं आपके स्कूल में हूँ। आपके स्कूल को रूल्स के खिलाफ चलाया जा रहा है, बंद कर देंगे तो बेटर होगा। इस पूरे शहर का बेस्ट स्कूल है हमारा, तुझे जिससे बात करनी हो जहाँ जाना हो वहाँ चले जा, हम डरने वाले नहीं है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। फोन रख। हेलो। हेलो ऑफिसर, यहाँ पर एक स्कूल रूल्स के खिलाफ चल रहा है। मैंने सवाल किया था लेकिन अधिकारियों ने रिश्वत देकर परमिशन दे दी। अब आपसे जवाब कैसे मिलेगा पता नहीं, हम 10 मिनट वेट करेंगे। 10 मिनट के अंदर अगर जवाब नहीं मिला तो मेरा सवाल मीडिया से शुरू हो जाएगा। हेलो। सर, मैं MUE का काम करता हूँ। पैसों के लालच में मैंने और सीनियर अधिकारियों ने यह किया था। अब आगे से ऐसा नहीं होगा सर, छोड़ दीजिए हमें। मैं अभी स्कूल की परमिशन को कैंसिल करता हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए सर। MUE जी कहते हैं कि आपकी इजाजत के बिना धुआं भी नहीं निकलता। गलतियां तो धीरे धीरे लोगों की आदत सी बन जाती है। मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। पेरेंट्स अगर आपसे सवाल करना चाहें तो पेरेंट्स का प्यार बीच में आ जाता है, और इसीलिए आप लोग जी भी रहे हो। हेलो बेटा। हाँ बोलिए। मेरे बच्चे ना तो पढ़ाई कर रहे हैं और ना ही खेल रहे हैं। आप उनको समझा कर उन्हें यहाँ से ले जाइए बेटा। ठीक है मैं आता हूँ चाचा, एड्रेस बताइए। कृष्णमूर्ति वेंचर्स। हाँ मैं आ रहा हूँ।
बेटा। हाँ बोलिए। यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो यहाँ भैंस चराने आता हूँ बेटा। उन्होंने मुझे फोन करने के लिए कहा था, इसीलिए किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बेटा। वो लोग दिखने में ही राक्षस लगते हैं। आप थोड़ा संभल कर रहिए, संभल कर रहिए, संभल कर रहिए। सारा काम चेयरमैन का ही है। सुनो स्टूडेंट्स, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, खेलने का समय हो गया। अगर सोचो यारो, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो डेली प्रैक्टिस करने वाला मेरा फिटनेस आखिर कैसा होगा। तुम लोग तो फाइटर्स हो, तो परफेक्ट फिटनेस के लिए कितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है, कितना खेलना पड़ता है। लेकिन तुम लोगों में से ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है। अगली बार अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। बोली दीदी। हाय दीक्षा, मॉर्निंग में मैंने तुम्हें एक ड्रेस भेजी थी, तुमने ट्राई की? हाँ ट्राई किया था, थोड़ा लूज है। ठीक है, एक काम करो, तुम क्या मुझे वीडियो कॉल करके दिखा सकती हो? ठीक है दीदी, मैं दिखाती हूँ। ठीक है, वेट वेट वेट, यहाँ लाइटिंग थोड़ी सी कम है, मैं शायद दिखाई नहीं दूंगी, तुम मुझे दिखाई दोगी, इसीलिए तुम कॉल करो। ठीक है, मैं नीचे जाकर पहन कर दिखाती हूँ, आप देख लेना। ओके। hey, हाँ बोलना। मेरी बाइक खराब हो गई है, आकर मुझे पिकअप कर। अभी मैं माँ के साथ मंदिर आया हूँ। ठीक है, बहन घर पर ही है, नंबर देता हूँ। पर लगता नहीं वो नया नंबर देखकर उठाएगी, वीडियो कॉल कर पहचान लेगी। ठीक है, भेज मुझे। हाँ, ओके यार। दीदी बस एक मिनट दिखा रही हूँ। यहाँ थोड़ा लूज है दीदी। इस तरफ देख रही हो ना, ये दोनों अगर अटैच करेंगे तो थोड़ा बेटर लगेगा। मुझे जो मॉडल चाहिए था वो ड्रेस मुझे नहीं मिली, ये क्लॉथ पसंद आया तो आपसे डिजाइन करवाना चाहती थी। इस तरफ थोड़ा लेंथ कम हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। दीदी आपने देखा ना? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। तो मैं कॉल किया तो तुम्हारा फोन कंटिन्यूअसली बिजी था। ये क्या, अभी तो मैं आपसे ही बात कर रही थी। अरे नहीं दीक्षा, तुमने मुझसे बात ही नहीं की, तुम्हारा कॉल तो कंटिन्यूअसली वेटिंग में था। तुम किसी और से बात कर रही थी। ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। हेलो, आप कौन है जिसने वीडियो कॉल किया था? हाँ हेलो, मेरा नाम है सारथी, आपके ब्रदर का फ्रेंड हूँ। वो मेरी बाइक थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो आपके ब्रदर को पिकअप करने के लिए कहा था, तो उसने बताया कि वो थोड़ा सा बिजी है और आपका नंबर दिया। उसने कहा कि वीडियो कॉल करके तुम उससे बात कर लो, नया नंबर तुम उठाती नहीं हो ना, इसलिए मुझे करना पड़ा। ओके, इससे पहले आपने वीडियो कॉल पर कुछ देखा क्या? नहीं तो काफी अंधेरा था तो कुछ नजर नहीं आया। ओके
अभी आप कहाँ पर हो? अपने सुरेश नगर में, रोड नंबर 2। ओके, मैं आ रही हूँ। ओके जी, थैंक यू। ठीक है चलें। हाँ ठीक है। बैठो ना। इस रोड पर मुझे ड्राइव करना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं ड्राइव करता हूँ। कॉफी पीकर जाओ ना, आओ। कोई बात नहीं, मैं निकलता हूँ अभी। आ जाओ ना। ठीक है। ओके। एक्चुअली मैंने तुम्हें बुलाया पर मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। मुझे कॉफी बनानी नहीं आती है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है। हे सुंदलो तुझको देखेंगे, हाँ सुंदलो क्या कहती, हाँ देख लो मैं भी हूँ यही दिल, क्या बोले साजन जी, हाँ दिल से तुमको चाहेंगे, तू भी कभी तो देख ले, हे हाय रे मैं तो नाचूंगी, मैं तो तेरे ही पीछे आऊंगी, दिल ये बोले हाँ बोले, तू मुझे दिल दे दे, क्यों ना माने ना माने, मुझे तू अपना ले, दिल ये बोले हाँ बोले, तू मुझे दिल दे दे, क्यों ना माने ना माने, मुझे तू अपना ले। यार मुझको तू अपना बना, मुझसे तुम क्यों दूर हो रहते, मैं हूँ तुम्हारी कह दो जरा, तुम ही वफा हो बोल दो यार, तू ये कह दे अपने दिल से मन से, कह दो तुम हो मेरे हार, अब तुम हो मेरे हाँ, सुन ले हाय तू ये कह दे, आरे हम तो हैं तेरे, अब तुम हो मेरे, हम तो मर मिटे हैं यार तुझ पे, दिल ये बोले हाँ बोले, तू मुझे दिल दे दे, क्यों ना माने ना माने, मुझे तू अपना ले, दिल ये बोले हाँ बोले, तू मुझे दिल दे दे, क्यों ना माने ना माने, मुझे तू अपना ले।
समझ ले ओ पुत्तू, तू ही तो है मेरा, क्यों ना तू समझे, है कसम तू ही तो है मेरा। हम तुझ पे मरते, बस तुम हो मेरे, जिया लगे ना बिन तेरे हारे। दिल भागे तेरे पीछे, तुम ही हो दिल मेरे, तुम मिले मुझे किस्मत से। दिल ये बोले हाँ बोले, तू मुझे दिल दे दे, क्यों ना माने ना माने, मुझे तू अपना ले। दिल ये बोले हाँ बोले, तू मुझे दिल दे दे, क्यों ना माने ना माने, मुझे तू अपना ले। आ बैठना। अरे कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अरे भाई बैठना, चलते हैं ना। हाँ तू बोलना। हाँ हम दोनों पहुँच जाएंगे। हाय। हाय। बैठो ना, मैं कॉफी लाती हूँ। हाँ। माँ, भैया का फ्रेंड आया है, कॉफी बनाओ। ठीक है, बनाती हूँ बेटी। क्यों बेटा, अच्छे हो ना? क्या है ये? इस घड़ी में हर घंटे में एक अलार्म बजता है। हमारी बेटी को नेचर से बहुत लगाव है। नेचर से आए हुए ऐसे बारिश की छींटों को हर घंटे आर्टिफिशियली महसूस करते रहती है। ये लीजिए कॉफी। आपने बनाई है क्या? मैंने नहीं, माँ ने बनाई है। सॉरी, जस्ट जोकिंग। वैसे आपको ये इंसानों से ज़्यादा ये नेचर से, मेरा मतलब ये पेड़ एंड सो क्यों इतना ज़्यादा प्यार है इनसे, बताइए। इस धरती पर इंसानों को जीने के लिए भगवान ने बहुत से सोर्स दिए हैं। भूख के लिए, एक जीव के लिए, हर बार एक दूसरा जीव मरता ही रहता है, बस ऐसे ही चलता रहता है। इंसान अपने स्वार्थ के लिए नेचर को तकलीफ दे रहा है। इनफैक्ट हमें ये बात भी पता नहीं है, लेकिन नेचर ही इन चीजों को संभाल कर रख रहा है, पर ये सब हम समझ नहीं पा रहे। कुछ ऑफिसर्स बहुत बेवकूफ हैं, वो पहाड़ काट रहे हैं, ये पेड़ काट रहे हैं, ये रोड खोद रहे हैं, ऐसे पागलों की तरह प्लान करते हैं। मतलब पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है ना, तो रोड डेवलप करना भी तो जरूरी है ना। सही बात है। तब अशोक ने रोड के इर्द गिर्द पेड़ लगाने को कहा था, और अभी के अधिकारी उन्हीं पेड़ों को काटने के लिए कह रहे हैं। और डॉक्टर कहते हैं पेड़ के नीचे बैठकर ताजा हवा लीजिए। उस लाइफ की हमें आदत पड़ गई है ना, बदलने में थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। एक वायरस ने दुनिया की परिस्थिति को बिगाड़ कर रख दिया था। ऐसे बदलने की चाह रखनी चाहिए। हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा, सारे देशों को मिलकर प्रकृति को बचाने के बारे में सोचना पड़ेगा। One minute. One call. हेलो सारथी, कहाँ हो तुम? मैं बाहर आया हूँ सर। 11 बजे की एसोसिएशन की मीटिंग है, तुम्हें अटेंड करनी होगी। ओके सर, मैं निकलता हूँ। ओके ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। सर, हमारे गांव में नया नया एटीएम बना है। हमारे गांव के बड़े लोगों की मदद से उस एटीएम में मैंने अपने बेटे को नौकरी दिलवाई है। अगर आप उसे आज भेज देंगे तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। थोड़ी मदद कीजिए साहब। ले जाइए ना, लेकिन एक बात है। बोलिए साहब। आपकी जमीन कितनी है? 6 एकड़ है साहब। और उसमें आपने क्या बोया है? बीज बोया है। बात कहाँ तक पहुँची है? 2 महीने में फसल हो जाएगी। ओके, फायदा कितना तक हो जाएगा? बता नहीं सकते। तो आप एक काम कीजिए चाचा। बोलिए।
मुझे उस फसल पर भरोसा नहीं है, उसे उखाड़कर मिर्ची या फिर प्याज की फसल उगाइए। नहीं हो सकता साहब, उगाने वाले हम हैं, हम जानते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। खिला भी मैं ही रहा हूं ना चाचा, आप नहीं। वो जो नहीं चाहता है वो बेकार सोच आपको किसी ने दी है। आप अपने बेटे को छोड़ दीजिए, आप वहां पर रहेंगे तो भी आप खुश रहेंगे। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो भले ही वहां पर काम करेगा लेकिन ये देखकर आप खुश नहीं रहेंगे। खाना खाकर जाइए चाचा। ठीक है। पापा क्या कहा सर ने? तुम्हारे सर के अंदर वो महान भाव है जो शायद मुझ में नहीं है। बहुत अच्छे इंसान है वो। कौन सा गेम बोला था? खोखो सर। आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत सारे चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर देखा है। ग्रामीण खेलों को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्रोत्साहन नहीं दे रहा है, इसीलिए आपने गवर्नमेंट के खिलाफ धरना भी दिया था। सॉरी सर, मैंने ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं किया था, बच्चों के पेरेंट्स को देखा इसलिए किया था। ग्रामीण खेल का मतलब कंचे खेलना, गिल्ली डंडा, पकड़म पकड़ाई या फिर लुका छिपी, ऐसे खेलों को प्रोत्साहन देना चाहिए। उनके बारे में नहीं सर, खोखो कबड्डी के बारे में था। ऑलरेडी ऐसे खेलों को ग्रामीण से लेकर नेशनल स्तर तक प्रोत्साहन तो मिल ही रहा है ना? कहाँ है सर, खेलने वाले मैदान में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया में है, बताइए। कहीं पर भी नहीं सर, अगर होगा भी तो सिर्फ और सिर्फ 1% होगा। ऐसे खेलों में बेटिंग नाम की चीज नहीं होती है ना सर, इसलिए शायद प्रोत्साहन थोड़ा सा कम होता है। मतलब ओलंपिक में तो ऐसे खेल नहीं है ना, तो उसका सपोर्ट भी थोड़ा कम ही होगा। 1936 ओलंपिक्स बर्लिन में हुआ था, खो खो खेला गया था लेकिन अप्रूव नहीं किया। एक खेल को अगर ओलंपिक में अप्रूव करवाना है तो 25 देशों की परमिशन होनी चाहिए। इस खेल की शक्ति और फूर्ति देखकर कुछ ऐसे देश हैं जो हम ये खेल नहीं खेल सकते, ऐसा कहकर अपना हाथ ऊपर कर लिया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई सर, कि इस खेल में एक इंसान को जितना चाहिए उतना पूरा स्वास्थ्य होता है, ये बात उस दिन उन देशों ने नहीं पहचानी? आपने अभी पूछा था ना सर, लंगड़ी, फुगड़ी, कंचे, गुल्ली डंडा, ऐसे गांव के खेलों को क्यों इनकरेज करना चाहिए? अभी तो बायो ओवर के हालात हैं, बुजुर्ग अभी भी स्वस्थ हैं और उसका कारण गांव के ये खेल ही होते हैं सर। मतलब आज का यूथ ये खेल खेलेगा, आप ऐसा कहना चाहते हैं? गलती बच्चों की नहीं है सर, हमारी और हमारी सरकार की है। बच्चे ऑनलाइन गेम्स से एडिक्ट हो गए हैं तो बहुत से ग्राउंडेड गेम्स हट गए, इसलिए जनता का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए जो भी गेम्स होते हैं उनके लिए एनकरेज करना चाहिए सर। ऐसे नॉन ओलंपिक गेम्स को सपोर्ट करने के लिए बजट कहाँ है? हाईली इम्पॉसिबल। हमें जो बजट मिलता है उसमें से 1% भी पैसे खर्च नहीं होंगे सर। हमारे खेल के लिए 10 एकड़ की जमीन और पूरे ग्राउंड में घास, आसपास कंपाउंड वॉल, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए बस 8 कदम के पूरे 2 स्तंभ, 1 मुट्ठी चूना, 1/2 एकड़ की जमीन, बस सर। आप लोग जितना बजट देंगे और हमारे खेल से जो फल निकलेगा उसमें बहुत अंतर होगा सर। ऐसे गेम्स को हम भी सपोर्ट करना चाहते हैं। खेलते वक्त खिलाड़ियों को चोट लग जाती है, इसीलिए पेरेंट्स भी भेजने से कतराते हैं, खेल को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। स्कूल में अगर बच्चे गलती करते हैं तो मास्टर मारते हैं, अगर चोट लगी तो स्टूडेंट स्कूल में जाना बंद कर देंगे, तो उनका कोई भविष्य नहीं होता है। ये भी ऐसा ही है सर। आपने जब ये खेल ज्वाइन किया तब से लेकर अब तक आपने क्या हासिल किया? ये खेल मैंने जब चुना था तभी मैं सक्सेस हो गया था सर। बचपन में मैंने भी खो खो खेला था। अभी आपकी बात सुनकर मुझे गर्व हो रहा है। डेफिनेटली ऐसे खेलों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कमेटी के द्वारा आपको किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए तो हम देने को तैयार हैं। थैंक यू सर। अरे रुको, लड़कियों को छेड़ते हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? पढ़े लिखे हो ना, इतनी भी समझ नहीं है क्या? तू भी से हट जा, लड़कियों को छेड़ने का पाठ बना रहे हो क्या तुम लोग? छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। हाँ, तुम जैसे लोगों को देखकर लड़कियां बाहर आने से डरती हैं, ऐसे में माँ बाप लड़कियों को बाहर कैसे भेजेंगे? माहौल खराब कर दिया है। क्यों रे? जब तक इन्हें मारेंगे नहीं तब तक ये सुधरेंगे नहीं, इन पर पुलिस केस करना होगा तब ये सुधरेंगे।
आप तुरंत पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए, वो लोग खुद देख लेंगे। बाद में हम इन्हें एकेडमी से डिसमिस करवा देंगे। क्या बात है सर? सर, जब हमारे बच्चे कॉलेज से घर जा रहे थे तब इन्होंने छेड़खानी की सर। आप इन्हें स्कूल में यही सब सिखाते हैं क्या? मास्टर जी, जरा शांत हो जाइए। क्या हुआ था? रास्ते में मैंने लिफ्ट मांगी थी, आधे रास्ते जाने के बाद उसने वहाँ की लड़की से बैडली बिहेव किया। ये सब मुझसे देखा नहीं गया, मैं डर गया और उतर कर भाग गया। वो लड़की को परेशान कर रहा था। चलो बेटी, पुलिस स्टेशन में जाकर इनकी कंप्लेन करते हैं। चलो, एक मिनट रुक जाइए सर। सुनिए, इस लड़के को कभी उस लड़के के साथ घूमते हुए देखा था क्या? नहीं सर। तो अभी इस पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? उसे लेकर मुझे गलत फहमी हो गई थी, सॉरी सर। चलिए पापा। चलो बेटी। हेलो मास्टर, लड़कियों का मामला है ना, इसलिए जहां मन करे वहां ऐसी जगह पर नहीं लाना चाहिए। हो सके तो खुद आकर बात किया कीजिए, उसके बाद कानून की मदद लीजिए। अगर ये दोनों काम नहीं कर सकते तो ये विषय भी लोगों के लिए कमेंट का मामला बन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। बॉयज, गो टू योर रूम्स। इसकी इमेज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। सर सर, वहां पर हमारे बच्चों के किसी ने हाथ पर बांध कर रखे हैं। चलिए सर। कहां पर है? ग्राउंड में है। चलो। सामने वाले की मदद करना छोड़, तेरी मदद कौन करेगा? मैं भी देखता हूं। क्यों सारथी, क्या हुआ तुम्हें? रात में जो कुछ भी हुआ उस वजह से बच्चे डरे हुए हैं सर। जब किसी के ऊपर संकट आता है तो हम किसी एक की मदद करके दूसरे को हर्ट करते हैं। कभी कभी कुछ बातों को देख के हमें उन्हें इग्नोर करना पड़ता है, वरना ऐसी परेशानी आती ही रहेंगी। सर। यस, कम इन। बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं सर। तो तुम क्या कर रहे थे? बच्चों के पास ही रुकने के लिए बोला था ना, हर जगह ढूंढा तुमने? हाँ सर, देखिए इस पेपर में कुछ लिखा है सर, एक बार देखिए सर। यही डर तो मैं देखना चाहता था। सामने वाले की मदद करना छोड़, तेरी मदद कौन करेगा? मैं भी देखता हूं। क्यों सारथी, अब क्या करें बोलो। चलिए सर, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। नहीं सारथी, अगर ऐसा करेंगे तो हम सबको खतरा हो जाएगा। तो फिर क्या होगा सर, बच्चों का क्या होगा? जब किडनैप हुआ था वो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुआ। किडनैपर ने बहुत चालाकी से काम किया है। ये बात एसोसिएशन को पता चलने से पहले ही बच्चों को लाना पड़ेगा। पूरा शहर छान मारो, हमें कहीं ना कहीं प्रूफ जरूर मिलेगा। ठीक है सर। मैं एक चैनल का पत्रकार हूँ सर, जेल के कैदियों पर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, उसके लिए मैं कोर्ट से परमिशन भी लेकर आया हूँ। ठीक है। यहाँ रिमांड में जो कैदी हैं उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ सर। ओके, जल्दी काम खत्म करो। थैंक यू सर।
सर, आपका नाम? क्या हो रहा है प्रकाश? भाई, हमारे गांव के 30 लोगों को आपके भाई के पास भेज दिया है भाई। बच्चों को भी किडनैप करवा लिया है भाई। जैसा आपने कहा वैसा हो रहा है भाई। ठीक है, तुम ये बात न्यूज़पेपर में छपवा दो। ठीक है भाई, मिनिस्टर साहब बेल के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं भाई। बेल का छोड़ो, मैं सब देख लूंगा भाई। अभी तुम जाओ। ठीक है भाई। अरे सुनो सर, समय हो गया, अब चलो निकलो। ओके सर, चलता हूँ। जाओ। दम लगा के खेलो, दम लगा के। चक्रव्यूह के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा, यहां जो हो रहा है वो भी युद्ध है। ये सब अभी बहुत छोटे हैं, चाहो तो हम सबको मार डालो, लेकिन उन्हें छोड़ दो भैया। मैं आपकी माँ जैसी हूँ, मुझे तकलीफ दे रहे हो, कम से कम बच्चों को तो छोड़ दो। आपके सम्मान के लिए हम सब लोग अपनी जान त्याग देंगे, सच कह रहा हूँ। शांति मिलेगी साहब, शांति मिलेगी। जान, जान में आखिर क्या है, घड़ी के सुई की तरह होती है। मेरा अहंकार अहम है, इतनी जल्दी से शांति नहीं मिलेगी। कितना भी शक्तिशाली जानवर हो, चोट खाने के बाद भी जंगल में रहता है, जल्दबाजी करके बाहर नहीं जाता है। जिसने मुझे चोट दी है उससे इसी जंगल में निपटूंगा, उससे मिलने का टाइम आ गया है, उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुम लोग जल्दी बाहर जाओगे, थोड़ा धीरज रखो शंकर भाई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब, आपके पैर भी पड़ता हूँ साहब, हमें छोड़ दीजिए साहब। राजा की तरह रहने वाले मेरे भाई को तुम लोगों ने काल कोठरी में रहने पे मजबूर कर दिया है। एक्सक्यूज मी सर, आई वॉन्ट टू गो होम सर, आई वॉन्ट टू सी माई पेरेंट्स सर, प्लीज लीव मी सर। देख भाई, मुझे सिर्फ अक्षरों का ज्ञान है, तुझे पता है ना? आई डोंट नो सर। आ और ई, ये दोनों अक्षर हैं। इतना सुनने के बाद भी खड़ा रहेगा तो सब सिखा दूंगा मैं तुझे। अगर हम यहां से निकल गए तो जरा सोच कि तेरी क्या हालत होगी। क्या मतलब है बे? हम जैसे बच्चों पर इस तरह से अत्याचार करोगे तो कानून तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। ए बसवा। कहीं के जिंदगी से प्यार नहीं है, कानून की बात करता है, खो खो कोर्ट समझाए क्या? भद्रदेव, राणा भद्रदेव, छोड़ दे रे। प्लीज सर, उस सर्टिफिकेट के जरिए मुझे जॉब मिल जाएगी सर, मेरी जिंदगी संभल जाएगी। प्लीज सर, मेहरबानी करके सर्टिफिकेट दे दीजिए, आपके पैर पड़ती। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज ये सब मेरे हाथ में नहीं है, मेरी लाइफ आप ही पर निर्भर करती है। मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सर्टिफिकेट दे दीजिए सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, सर्टिफिकेट दे दीजिए मुझे, दया कीजिए। सर्टिफिकेट आएगा तो ऊपर से ही आएगा, तब तक वेट करना होगा। मेरे प्लेयर्स से किसे नुकसान हुआ होगा,
कहीं ऑपोजिट टीम तो नहीं है? नहीं हो सकती। राजा भाई, आपके जिले का पेपर आया है। क्यों राजा भाई, पेपर में ऐसा क्या आया है जो इतना हंस रहे हो? पड़ोस के राज्य में जब अपनी बस नजर आती तो जो खुशी मिलती है, वैसी ही खुशी मुझे इस न्यूज को पढ़ के मिल रही है। जैसे हर इंसान का एक लक्ष्य होता है, उसी तरह जेल के कैदियों के अंदर बदले की भावना होती है। इन सब की क्या जरूरत है? जाने अनजाने में तुम जो गलती करते हो वो दोबारा ना करो इसलिए सजा देते हैं। ये सब छोड़कर आप आम आदमी बन जाओ और ये बदले की भावना छोड़ दीजिए राजा भाई। जब हम रास्ते पे चलते हैं और पैर में कांटा चुभ जाता है तो क्या करते हो? निकाल के फेंक देते हो ना? चाहे कोई भी हो वो यही काम करता है। कांटे को फेंक तो देता है पर कुछ कर नहीं पाता। मेरा बदला भी कुछ ऐसा ही है। चाहे कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलता हूं सर। क्या हुआ बताओ सारथी, इतने डल क्यों हो? क्या हुआ, कोई गलती कर दी है क्या? पिछले हफ्ते एकेडमी के बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया। तो फिर तुमने क्या किया? क्या करूं मैं, मेरे पास जो बच्चे थे उनको किसी ने किडनैप किया। ये कहकर मैं सबके सामने जोर से चिल्लाऊं या फिर पुलिस स्टेशन में जाकर मेरी मौजूदगी में किडनैप कर लिया ऐसा नकारा बनकर देखता रहा और मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो मुझे सजा दीजिए ऐसा कहूं क्या? वो छोटे बच्चे हैं, अब तक मैंने उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे हैं। पता नहीं वो कैसे होंगे, कहां होंगे, ये सोचकर बहुत ही डर लग रहा है मुझे। कुछ नहीं होगा, हमारे पास कानून है। प्रॉब्लम क्या है ये पता चलने के बाद सॉल्यूशन भी मिलेगा। ये बात अगर बाहर किसी को पता चली तो एकेडमी के सारे लोगों की लाइफ के लिए रिस्क होगा। क्यों राणा भाई, कैसे हो? क्यों मंत्री जी, मुझे भूल गए हैं क्या? ऐसी बात क्यों कर रहे हो राणा भाई? ए उतरो रे, इसे भी उतारो। क्या कर रहा है इतनी देर से पता नहीं? मेरा एहसान मत भूलना। तुम सब ने सपोर्ट किया तभी तो मैं जीता ना। अभी तुम्हें किसी तरह की परेशानी होगी तो मैं हूँ। तुम्हारे भाई के लिए तुमसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है। ऑलरेडी अपने आदमियों को मैंने मोबाइल देकर भेजा है और कहा है कि 4-5 दिन कोई बात मत करना, कम्युनिकेशन होना ही नहीं चाहिए। अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो देखते हैं। अपने पुलिस वालों को इस तरफ आने से मना कर देना। उस तरफ पुलिस की जीप नहीं आएगी। रखता हूँ, ठीक है भाई, फिर बात करता हूँ। भाई 2 ड्रम फुल कर दिया है। देखो बेटा, ये तुम्हारे ही गांव के बच्चे हैं। छोटे साहब के साथ मिलकर तुम हम जैसे गरीबों के साथ हिंसा कर रहे हो, ये सही नहीं है। देखो बेटा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम लोग छोटे साहब को समझाओ। क्या किया तुम लोगों ने हमारे बच्चों के लिए? तुम्हारे साये में बच्चे बहुत अच्छा खेले, प्रगति कर रहे हैं, ये सही है क्या? तुम लोगों को क्या बोलूं? चुपचाप जाकर बैठ जा, चल। हाँ बोलो बेटा। सर, प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मैंने आपको मेल की थी, एक बार चेक करके मुझे कॉल कीजिए ना। हाँ देखता हूँ। जहाँ कहीं भी बाढ़ आने वाली प्रांत है वहाँ पर 2 डैम निर्माण करने का हमारा विचार है। बाढ़ आने से पहले हम उस डैम के गेट को खोल देंगे। एक बार बाढ़ के आने से प्रांत की हालत बदतर हो जाती है। जंगल के पेड़ के पत्ते सूखकर सड़कर धरती में समा जाते हैं और वहीं रह जाते हैं, और बाद में बारिश के पानी के द्वारा पहाड़ के पानी के साथ बहते हुए उस बाढ़ के प्रांत में घुस जाते हैं। उसी तरह डैम से आने वाला कचरा, कूड़ा, प्लास्टिक क्लीन न करने की वजह से बाढ़ का पानी हमारे घर तक न आ सके, इसलिए कम से कम सेफ होना चाहिए। डैम में मिट्टी ले जाते समय पानी निकलने के लिए ज्यादा चांसेस होते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लगता खतरनाक है। ये लड़की बहुत समझदार है, इसे ऑफिस में आने से रोकना पड़ेगा। पहुंचता है, अगर ये लड़की ऑफिस आ गई तो हो सकता है कि मेरी नौकरी इस लड़की के लिए, जिससे बाढ़ आती है और काफी नुकसान होता है। हाँ।
एक बार अगर सिद्धू को कॉल करूं तो शायद कोई क्लू मिल सकता है। शुगन, शुगन, शुगन को कॉल करता हूं। हेलो। बोलो सारथी। तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट से 3 प्लेयर्स सिलेक्ट हुए थे। okay. उनके कोच सिद्धू को कॉल कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों फोन स्विच ऑफ आ रहा है। okay. अर्जेंटली बात करनी है, और कोई ऑप्शन है क्या? okay. वो सिद्धू कहाँ है, मैं इंक्वायरी करके कॉल करता हूँ। okay. थोड़ा जल्दी देखना है शुगन। ठीक है। ये सब एक बार देख लो। हेलो। हेलो सर, मेरा नाम है सारथी, एपी खो खो अकेडमी से बात कर रहा हूँ सर। ओके। आपके स्कूल में पीटी के तौर पर काम करने वाले सिद्धू का दोस्त बात कर रहा हूँ। उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है सर। बहुत अर्जेंट बात करनी है, दूसरा कोई नंबर होगा तो दे सकते हैं आप? नहीं जी, वो एक सप्ताह से नहीं आ रहा है, आएगा तो कॉल करवाता हूँ। ओके सर, थैंक यू। चलिए सर, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। नहीं नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो सबको खतरा बढ़ जाएगा। करके चले जाइए। प्लीज सर। नो नो नो, आई एम सॉरी। किसी भी तरह से मुझे ये जॉब दिलवा दीजिए प्लीज। बिना सर्टिफिकेट के अगर जॉब दिलाने के लिए कहोगे तो कैसे होगा? असल में ये जॉब स्पोर्ट्स कोटा में मिलती है, और बिना सर्टिफिकेट के अगर तुम ऑफिस के चक्कर लगाओगे तो क्या फायदा? जाओ मैडम, जाओ। आई एम सॉरी। बहन जी, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे लास्ट वीक खो खो एकेडमी में देखा होगा सर। क्या हुआ बहन जी, थोड़ी देर पहले ऑफिसर से? लास्ट वीक ही मुझे जॉब मिली थी सर, सर्टिफिकेट अब तक नहीं मिला। डेविड सर ने हम जैसे गरीबों के साथ बहुत फ्रॉड किया है सर, हमारे सर्टिफिकेट वो बाहर किसी और को बेच रहे हैं सर। ये लड़का कौन है? एक समय में ये भी खो खो प्लेयर था सर, जो इसे पसंद नहीं करते थे उन्होंने इसका एक्सीडेंट करवा दिया और ऐसी हालत कर दी। हेलो, कहाँ है? बोलो भाई। ऑफिस के नीचे एक लड़की है। उस लड़की की वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। उसे जल्दी से निपटा दो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। काम होने के बाद कॉल करता हूँ। सुना है भाई के मामले में बहुत दखलंदाजी कर रही हो, उनके काम में रुकावट डाल रही हो। तुम जीना चाहती हो या मरना? वो बहुत बड़े फ्रॉड हैं। जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर के ऑफिसर, उनके ऊपर के ऑफिसर को कंप्लेन करूंगी। मेरा काम कोई भी रोक नहीं सकता। सुनो स्टूडेंट्स,
सृष्टि में जो पांच तत्व हैं उनमें से पानी बहुत ही महान है। प्यास लगने पर पियेंगे तो संतुष्टि मिलती है, और गुस्सा आए तो उस पानी को सर पर डालने से बहुत चैन मिलता है। वही पानी सुनामी बनकर आएगा, इसलिए ये हाथ पैर जोड़कर तुम्हारे ऑफिस के चक्कर काट रही है। तो मदद करने की बजाय इसे मारना चाहते हो क्या? यहाँ के ऑफिसर ने समंदर के किनारे ऊंचाई पर एक घर और नीचे एक घर बना रखा है। सुनामी आएगी तो ऊपर का घर, पानी सूख जाए तो नीचे के घर में आता है। वो तो सेफ है, परेशानी तो हम जैसे लोगों को होगी ना। थोड़ी देर पहले एक चींटी मेरे पास आ रही थी तो वो मुझे परेशान करेगी ये सोच के मैंने उसे मार दिया। बाद में मेरी समझ में आ गया वो मेरी नजर में बहुत ही छोटी सी जान है, इसलिए इजीली मैंने उसे मार दिया होगा। नेचर के लिए हम भी एक चींटी जैसे ही हैं, ऐसे में हमें कितना संभल कर रहना चाहिए। बस अपने कुछ स्वार्थ की वजह से ही मुसीबतें आ रही हैं। हमारे ऋषि और बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने ऐसे संकट के बारे में बहुत पहले ही संकेत दे दिए थे। अब हम लोगों को सेफ रहना चाहिए, इसलिए बिना स्वार्थ के आगे आ जाइए। अंदर खोलते हुए खून को और हाथ के कुल्हाड़ी को नहीं यार, सुधरना चाहता हूं, मत छेड़ो मुझे। मुझे सारथी से प्यार होने लगा है, ऐसा लग रहा है उसने मुझे पूरी तरह समझ लिया है। फ्यूचर में अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो बहुत ही हैप्पीली रह सकती हूँ मैं, पर मैं उसे अपने दिल की बात बताकर इस टाइम पर परेशान ना करूँ ऐसा लग रहा है। मेरा एम पूरा होना चाहिए, किडनैप हुए बच्चे लौट कर आ जाए और उनको गेम जीतना होगा, उसे खुश होना होगा, उसके बाद उसे बोलना बेटर होगा। बच्चों के बारे में कुछ पता चला सारथी? नहीं। भले ही मेरा प्रोजेक्ट यहीं पर है लेकिन कोई अधिकारी हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं दिल्ली जा रही हूँ। इतना दूर क्यों? फ्यूचर में होने वाले एनवायरनमेंट में नुकसान होने से बचने के लिए मेरे पास एक प्लान है। इसके लिए मुझे लगता है सेंट्रल में ही मुझे न्याय मिलेगा, इसीलिए मैं वहां जाऊंगी।
ओके, गो अहेड। इस हालत में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम सॉरी। ठीक है, हिम्मत रखना, मैं चलती हूँ। या चलो बेटा, जल्दी से चलो, उठो बेटा, उठो, चलो निकलो, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो। चलो चलो। भरोसा किया था, लेकिन तुम लोगों ने तोड़ दिया। हम लोग घूमने थोड़ी ना निकले हैं। मुझे आने में एक मिनट लेट हो जाता तो ये लोग यहाँ से भाग जाते। छोटे साहब, गलती हो गई साहब, बस एक बार माफ कर दो साहब। शंकर भाई, वो समय दूर नहीं जब वो तुम्हें ढूंढते हुए अकेला यहाँ आएगा। ये क्या छोटे साहब, ऐसा क्यों कर रहे हो? न हमें जीने दे रहे हो, न मरने दे रहे हो। टुकड़े टुकड़े करने के बाद छोड़ दूंगा अगर इस बार बच गया तो तुम्हारा शिकार करूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों राजा भाई, आजकल आपके लिए न्यूज़पेपर्स नहीं आ रहे हैं? वैसे भी आपके सेल में सेपरेटली डिस्ट्रिक्ट पेपर आप ही तो मंगवाते हैं ना। इसमें क्या है सर, बस 4 रुपए का पेपर है और 4 जगह का मैटर है। मुझे लगता है इसमें आपका कुछ तो फायदा है राजा भाई, पक्का कुछ तो है। आप जैसा सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। कब बेर मिलेगी इसकी राह देख रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोबारा जेल में आओगे। आपने जैसा कहा वैसा हुआ तो मैं अपना बदला पूरा करके आऊंगा। सारथी, ये किडनैप डेविड ने ही करवाया होगा या फिर पैसों के लालच में किसी किडनैपर से करवाया होगा। झगड़ा तो इसके और डेविड के बीच में है, अगर करना था तो सारथी का करना था, बच्चों को किडनैप क्यों करवाया? किडनैप करने वाला डेविड ही है। इतना करेक्टली कैसे बोल सकते हो? डेविड एक फ्रॉड है, ये बात मुझे कल तक पता नहीं थी। वो बस एक ही जॉब नहीं कर रहा है बल्कि स्टेट में ग्रुप्स में प्रिपेयर होने वाले हर इंस्टीट्यूट से उसकी पहचान है। उस पहचान की वजह से पैसों की लालच में नेशनल स्पोर्ट्स कोटा में आने वाले सारे सर्टिफिकेट्स को वो बेच रहा है। इससे पहले भी खेल पर भरोसा करके आने वाले गरीबों के सर्टिफिकेट्स भी उसने बेच दिए। उसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स की बलि चढ़ गई। अभी सब कुछ ऑनलाइन है इसलिए चीटिंग करने का चांस ही नहीं है। सो यहाँ के प्लेयर्स को किडनैप करवाएगा तो फॉर्मेलिटी के हिसाब से उसे जो प्लेयर चाहिए उसे रिक्रूट करके ये 15 नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी उन्हें ही बेचना चाह रहा है। वाह, सुपर एनालिसिस भाई। डेविड इतना बड़ा फ्रॉड है, उसके बारे में हम बाद में सोचते हैं, पहले बच्चों का देखते हैं। बस 20 घंटे में बच्चे कहाँ हैं ये पता लगाकर उनको लेकर आऊंगा। हेलो राम। बोल। कुछ नहीं यार। हाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट पेपर में हमारे क्वालिफिकेशन से संबंधित कुछ जॉब आए हैं, जरा चेक कर। तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का पेपर यहाँ नहीं आता है ना? इंटरनेट में जाकर चेक कर यार, मधु से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसमें भी। ठीक है यार। ओके यार, बाय बाय। छोटा सा काम है, करके आते हैं, चलो रे। जो इसे पसंद नहीं करते थे उन्होंने इसका एक्सीडेंट करवा दिया और ऐसी हालत कर दी इसकी।
इस हॉस्पिटल में है। वो सिद्धू किस रूम में है? तुम कौन हो? उसने मुझ पे केस किया था, वो मर गया सोच के छोड़ दिया था, अब तो उसे मार के भी जेल नहीं जाऊंगा। ए, तू मेरे फ्रेंड को मारना चाह रहा था? पकड़ो इसे। सर, आप जिस राजा भाई को ढूंढ रहे हो वो मेरे पास ही है, आकर ले जाइए इसे। एक बार जेल जाकर राजा भाई से मिलूंगा तो शायद कोई क्लू मिल सकता है। इन्हें जानते हो ना राजा भाई? हाँ, जानता हूँ। इनसे मेरी पहचान बहुत खास है, तुमसे एक बार बात करना चाहते हैं। ठीक है, क्या बात है बताओ। मेरे पास जो बच्चे हैं वो किडनैप हो गए हैं, ये तुमने ही करवाया ये मैं जानता हूँ। ये केस तो मैं वापस ले ही लूंगा, मेहरबानी करके उन बच्चों को छोड़ दो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? मुझसे मिलने के लिए भी कोई नहीं आता, यहाँ पे किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, फिर मैं किडनैप कैसे कर सकता हूँ बताइए। लास्ट टाइम आपके गांव के बच्चों को आपने कितनी तकलीफ दी ये मैं जानता हूँ, बदला पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उन तीनों बच्चों के साथ साथ बाकी के बच्चों को भी किडनैप करवा दिया। तुझ पर हाथ डालने के लिए मुझे माफ कर देना, बच्चों को तकलीफ मत देना, मेहरबानी करके छोड़ दे। सारथी, आप जैसा सोच रहे राजा भाई वैसे नहीं है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, उनकी दुनिया ही अलग है, पेपर्स, योगा, यही सब है, इनको मैंने कभी गुस्से में भी नहीं देखा। राजा भाई आप जा सकते हो। जी, चले क्या? एक बार राजा भाई के भाई को बुलाइए, उनसे बात करनी है। वो भी आरोपी है लेकिन फरार है, अब तक मिला नहीं है, सर्च कर रहे हैं, मिलते ही बताऊंगा। ठीक है सर, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके सारथी। भैया, मैं रिपोर्टर प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भाई कल बेल पर रिलीज हो रहे हैं, अगर आप मिलना चाहते हो तो गांव से बाहर पहाड़ पर जो शिवालय है वहाँ कर मिल सकते हैं। ठीक है। आपके ऊपर पुलिस की नजर है, संभल कर। मैं संभाल लूंगा। हेलो। हेलो सारथी। हाँ बोलो सुगन। व्हाट्सएप पर मैंने एक वीडियो सेंड किया है, जरा चेक करो एक बार। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। मेरे गांव से 20 लोग लापता हैं बाबू, काम के लिए विजयवाड़ा के पास एक संस्था में काम करने जा रहे हैं ऐसा कहा था, लेकिन अभी तक उनकी खबर नहीं है, वो कहाँ है कुछ पता नहीं है, किसी का फोन भी नहीं लग रहा, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। शंकर भाई और जानकी देवी कहाँ हैं? हमारे गांव के 3 बच्चों के साथ हमारे शंकर भाई और जानकी देवी किसी कोचिंग सेंटर में है ऐसा सुना है। आपके गाँव में सिद्धू आया था ना? वो गाँव में पीटी मास्टर तो आया था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। ओके, थैंक यू। तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट पेपर यहाँ नहीं आता है ना? हेलो कार्तिक। हाँ बोलो सारथी।
एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ, बोलो। लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिलने के लिए आया था तो आपके हाथ में मैंने कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट का पेपर देखा था। हाँ। वो कैसे आया आप बता सकते हैं? ओ अच्छा, राजा भाई को अपने गांव से बहुत ज्यादा लगाव है, इसलिए वहां पर होने वाले मामले के बारे में मुझसे पूछते रहते हैं। मेरे पास जो डिस्ट्रिक्ट पेपर आता है मैं उन्हें दे देता हूँ। जरा वो पेपर का फोटो लेकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं? उन्हें कल बेल मिल गई और वो चले गए। रिलीज हो गया क्या? खैर कोई एक ना एक पेपर तो होगा ही ना। श्योर, जरूर जरूर, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर भेजता हूँ। यहाँ कोई ना कोई लॉजिक मिस हो रहा है। सुगन ने जो वीडियो भेजा था और पेपर्स कटिंग में जो आर्टिकल है दोनों मैच हो रहे हैं। सिद्धू से बहुत गुस्सा था इसलिए सेलेक्ट हुए तीन बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भी किडनैप करवाया। उसी तरह मैंने सिद्धू को सपोर्ट किया और हॉस्पिटल में मैंने राजा भाई पर हाथ उठाया, इसलिए उसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे पास जो बच्चे थे उनको भी किडनैप करवाया। वैसे पेपर्स और गांव वालों की बातों में एक बात कॉमन है, आरबीडी। आरबीडी मतलब राजा भाई का भाई, राणा भद्रदेव। यस, इसी ने किडनैप किया है। सिद्धू, हेलो। मैं तुमसे एक बात कहना भूल गया था। okay. 3 दिन पहले मुझे विजयवाड़ा से फोन आया था। स्टेट खोखो एकेडमी कोच सारथी तुमसे बात करना चाहते हैं। उनसे बात कर लो। ओके। हेलो सिद्धू। हेलो सारथी। अरे मैं पिछले 2 दिन से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सॉरी सारथी, आउट ऑफ स्टेशन था। यहाँ पर बच्चे किडनैप हो गए हैं। आरबीडी संस्थान ने तुम्हारे गांव के लोगों के साथ साथ हमारे प्लेयर्स को भी किडनैप किया है, उनको लेकर आ सकते हो? डोंट वरी, वो जगह मुझे पता है, बच्चों को मैं लेकर आता हूँ, तुम हिम्मत रखना। ठीक है। क्या रामो, ये कौवा चिल्ला क्यों रहा है? कौवे का ऐसे चिल्लाना मेहमान के आने का संकेत होता है भाई। सिद्धू, माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय बैचमेट, कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट में वन ऑफ द बेस्ट कोच। बॉयज, इस सिटी की आवाज सुनते ही तुम्हारे खून की रफ्तार तेज होनी चाहिए। टपका देने। ए! तेरी दुश्मनी मुझसे है, इनके भविष्य से नहीं। मैं यही रहूंगा, इनको छोड़ दे। अकबर, बच्चों को यहां से ले जाओ।
Hey, जो बच्चे खेलने गए हैं उनके हारते ही तू मरेगा। हेलो हेलो सर, आपकी अच्छाई ने आपको बचा लिया सर। किडनैप हुए बच्चे लौटकर वापस आ गए हैं सर। सच कह रहे हो? हाँ सर, सच कह रहा हूँ सर। इस समय डेविड सर यहाँ नहीं है सर, आप आ जाइए सर। हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ आइए सर। अरे चिन्ना। हाँ बोल। बच्चे आ गए हैं। सच में ग्रेट यार। तुम लोग एकेडमी में आ जाओ। आ रहे हैं। मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। हाँ। ए, तुम्हारे सर आए हैं। सर बोलो। सारथी बच्चे आ गए हैं सर। ओके गुड, भेज दो। ओके सर, चलो बच्चों। मास्टर, हम में से फरीद नाम का लड़का मिसिंग है। क्या मास्टर? वो डर के चला गया मास्टर। अच्छा सुनो सर, फरीद है क्या वहाँ? हाँ है सर, वो जब से घर पर आया है बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। वो क्यों? पता नहीं, आप उनके पिताजी से बात करके उन्हें लेकर जा सकते हैं। मैं आकर बात करता हूँ। ठीक है। ए उदय। हाँ बोलो। जल्दी से बच्चों को लेकर स्टेडियम में चले जाओ। ठीक है। मैं और चिन्ना जाकर फरीद को लेकर आते हैं। चलो जल्दी। चलो संभल कर। सॉरी बहन जी, मैं इस समय आपको तकलीफ दे रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, बस 24 घंटों के लिए आप अपने बेटे को हमारे हवाले कर दो। इस गेम के बाद आपके बेटे की जिंदगी बदल जाएगी। जब आपने फोन किया था तो मैंने अपने पति से पूछा था, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं सर। उन्होंने कहा है कि वो आपसे बात करेंगे। आप उन्हें बुलाइए ना, मैं उनसे बात करता हूँ। फरीद, अपने पापा को बुलाओ। बाबा। क्यों मास्टर, मुझे यहाँ देख के शौक हो गया? तुम्हारा खिलाड़ी फरीद मेरा बेटा है। ये मेरा बेटा है, ये मेरे और मेरे भाई के अलावा इस गांव में कोई नहीं जानता। तुम्हारे खेल में मैंने उसे अपना हथियार बनाकर भेजा। इस बार इस खेल में इसे रख लो, अगर आप नहीं माने तो ऊपर तक मेरी पहुंच है। आप समझो कि आपका बेटा सिलेक्ट हो गया है। सर एक बार बात कीजिए। कौन है? एक बार बात कीजिए ना। हेलो। बच्चों को किडनैप कर रहा हूँ डेविड, कुछ मत बताना, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो इसका ध्यान रखना। जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ मैं रहूंगा। हाँ। ए, फेंसिंग की उस तरफ। हाँ। नया कोर्ट हम खुद ही बनाते हैं। चलो चलो, 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 चलो। जाओ चाचू, आप आ जाइए। चप्पल से मारूंगी इन्हें, एकेडमी से डिसमिस कर दूंगा। उठो उठो बेटा, चलो 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 चलो, जल्दी करो। उठो उठो, आप जल्दी आ जाइए चाचू। मास्टर, इसे खेल के लिए ले जा सकते हो, पर यहां से नहीं। वो कैसे? बताता हूँ सर। देखिए सर, मुझे कितना मारा है, बहुत दर्द हो रहा है सर। रिलीज होते ही ये मेरे घर पे आ गया सर। देखिए, आपने राजा भाई पर जो केस किया है उस पर मुकदमा चल रहा है। इसके दौरान आपका इनके घर पर आना और हमला करके इनको घायल करना, ये कानून के खिलाफ है। सर मैंने इनको टच भी नहीं किया सर, चाहो तो मैडम से पूछ लीजिए। क्यों मैडम, क्या हुआ था? सच में इन्होंने मारा है सर। अच्छा हुआ कि आप समय पे आ गए सर। इस बात का क्या जवाब है आपके पास? ये मुझे मार डालता सर,
ये तो अच्छा है कि मेरी बीवी और बच्चे यहाँ पे हैं। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखिए आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में चलकर कहिए। प्लीज आइए मेरे साथ। ए चिना। हाँ बोलना। फरीद को लेकर स्टेडियम में चला जा। मैं फरीद को स्टेडियम में छोड़कर लॉयर को लेकर स्टेशन में आ जाता हूँ। चलिए फरीद। चलो अब चलते हैं। हाँ आ रहा हूँ। ठीक है ना, जब मैं कोर्ट जाऊंगा तब मुझे ये फाइल देना। सर जो आपने फाइल मांगी थी। विनोद। सर राइटर के आते ही पहले इनकी FIR लिखवाना। ओके, अभी मैं DSP ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ ओके ठीक है सर। ए शिवराम। इसे डेविड सर के पास ले जाना और टीम में ऐड करने को बोल। तू इस पे ध्यान दे, मैं बाद में आता हूँ। समझ गया ना? मैं जा रहा हूँ, तू ध्यान रखना। ठीक है बाय। सर मैच शुरू होने वाला है सर, हमें भेज दीजिए सर। सर प्लीज सर हमें भेज दीजिए सर। आप क्या क्या हाथ जोड़ते हैं सर, जाने दीजिए सर। हाँ तुम में से डाइव सबसे अच्छा कौन करता है? ओके तुम लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, बहुत सारे मामलों में मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मेरे ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए तुम में से जो कोई भी वीक प्लेयर है उसे मैं चांस दे सकता हूँ। तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो। अब क्या करें? ठीक है तू जाकर खेल। जाकर खेल। ये लो जाओ। अच्छे से खेलना यार। अनिल। डेविड सर बोलिए सर। मैं 3 प्लेयर्स को भेज रहा हूँ, उन्हें एक्स्ट्रा प्लेयर बना के खिलाओ। ओके ठीक है भेज दीजिए सर। इस साल की नेशनल खो खो चैंपियनशिप आज विजयवाड़ा में हो रही है। भैया अनिल सर कहाँ पर है? वो वहाँ पर बैठे हैं। थैंक यू भैया। हाँ वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते। डेविड सर ने जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स भेजे हैं वो हम हैं सर। वो तीनों तुम ही हो क्या? वहाँ जाकर उन्हें ज्वाइन कर लो। ओके सर। मैच को पीरम श्रीधर रेड्डी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने स्पॉन्सर किया एंड को स्पॉन्सर बाय कनिका वीडियोस। आज का फाइनल मैच आंध्र प्रदेश वर्सेस केरला के बीच होने वाला है। आंध्र प्रदेश की टीम अपने हर मैच में बहुत मेहनत से टेक्निक्स को यूज करके फर्स्ट सेकंड क्वार्टर एंड सेमीफाइनल तक पहुंची है महाराष्ट्र की टीम को हरा के और फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुई है। आंध्र प्रदेश की टीम के हर एक व्यक्ति ने अपने टीम के लिए बहुत मेहनत की है और उसे फाइनल्स तक लेकर आए हैं। टॉस जीतने वाली केरला टीम ने चेंजिंग यूज किया है और रनिंग के लिए आंध्र की टीम को भेजा है। होने वाले मैच की पूरी इनिंग्स को देखा जाए तो केरला ने अद्भुत खेल का प्रदर्शन किया है और 6 पॉइंट को अपने खाते में डाल लिया है और AP टीम ने भी केरला के खिलाफ 4 पॉइंट अपने खाते में डाल लिए हैं। फर्स्ट डे इनिंग्स कंप्लीट होने के बाद केरला 6 पॉइंट पर है और आंध्र प्रदेश 4 पॉइंट पर है। केरला 2 पॉइंट से लीड कर रही है। भाई जरा डेविड को फोन कर। ठीक है भाई। तो अब सेकेंड इनिंग का फर्स्ट हाफ शुरू होने जा रहा है। वो खेल रहे हैं या मर गए? ये मामूली लोग नहीं है, धूल चटा रहे हैं। तुम लोगों ने टॉर्चर किया या प्रैक्टिस करवाई है? गाड़ी निकाल भाई, इसको छोड़ना मत। देखकर ऐसा लग रहा है कि इस टर्न में AP अच्छी टक्कर दे रही है। Come on. Yes, first point केरला ने कमा लिया है। और दूसरे पॉइंट को भी चालाकी से हासिल कर लिया। हाँ।
हार गया है। इससे पहले मैच कुछ और था, लेकिन अभी केरला की टीम भारी पड़ती दिखाई दे रही है। टाइम आउट होने से पहले पता नहीं केरला और कितने पॉइंट्स कमा लेगी। केरला ने फिर से अच्छी डाइव के साथ चौथा पॉइंट भी कमा लिया है। टाइम आउट। अरे यार वो टीवी चालू करो ना भाई। छी, ये भी क्या जिंदगी है। हम पुलिस वालों को तुम्हें सजा देने के बजाय तुम लोगों की सेवा करनी पड़ती है। देख। टाइम आउट होने तक केरला 6+4 पॉइंट के साथ लीड कर रही है। अगर एपी को जीत हासिल करनी है तो 4+7 11 पॉइंट कमाने होंगे जीतने के लिए। मेरे हिसाब से ये मैच एपी के लिए मुश्किल लग रहा है। मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है सर, मैं मैच खेल नहीं पाऊंगा सर, सच में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों बेटा, तुम्हें भी दर्द हो रहा है क्या? खेलोगे या नहीं? सर हम भी नहीं खेल पाएंगे सर। हाँ हेलो डेविड सर। बोलो। हमारी टीम के 3 प्लेयर्स बॉडी पेन की वजह से खेल नहीं पाएंगे। हमारे पास ऑप्शन नहीं है सर, हमारी टीम में जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं उन्हें खिलाना पड़ेगा। हाँ ओके खिलाओ। सुनो बेटा एक्स्ट्रा प्लेयर्स, ये मैच तुम्हें खेलना है, चलो। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। ओके हाय ब्रदर। हाय ब्रदर, कैसे हो? ब्रदर ठीक हूँ। भाई ओके ओके, भाई हमें डाइव्स नहीं आती, डाइव्स नहीं आती, पर प्लान करके हम खेल सकते हैं। पहले 1 मिनट तक एक का पीछा करो भाई, दोनों को छोड़ दो भाई। पर आउट करने में क्या प्रॉब्लम है भाई? ये सिर्फ 1 मिनट हम पर भरोसा कर लो भाई, प्लीज भाई। ठीक है, हम पर भरोसा करो भाई। जब हम गेम खेलेंगे तो उस वक्त हम पर नजर रखना भाई, ठीक है? गेम की सही टेक्निक पता चलेगी, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, हम तुम्हारे प्लान के हिसाब से खेलेंगे, ठीक है ना भाई? तुम सबको भी कोई दिक्कत नहीं है, चल। सर, इन खिलाड़ियों के कोच आप ही हो क्या? जी हाँ, मेरे ही बच्चे हैं। मेरा गेम मुझे लाइव देखने की इच्छा थी, आज वो पूरी हो गई, मैं गेम देख सकता हूँ। Well, unexpectedly I went to the Khoko Academy and there I met the coach Sarathi. He desired to cover it live. Young boys and girls, highly talented. I wanted to promote it in the entire country, so I made it live. साहब, साहब, आज के मैच में हमारे बच्चे जीतेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। उठो साहब, उठो साहब। हमारे बीच भले ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन उस दिन तुमने मुझे पापा कहकर पुकारा, तुम्हारे पिता की हैसियत से बोल रहा हूँ। एक बार उठ जाओ साहब, उठ जाओ। हे भगवान। फर्स्ट 40 सेकंड्स में एक ही प्लेयर को चेस करना होगा। खो, खो, खो। सर सर, आप यहां कैसे? मुझे जो कंडीशनल बेल दी गई थी, इसलिए एसआई साहब से मिलके दस्तखत करने आया हूं। आप बैठिए सर, एसआई साहब 10 मिनट में आ ही जाएंगे, बैठिए सर। खो, 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 खो। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो किसी तरह डाइव से कमा लिया गया। सॉरी, बेस्ट डाइव करने के बाद भी कोई पॉइंट नहीं मिला। सॉरी, फिर से नॉट आउट। खो, खो, कितना टाइम बीतने के बाद भी एपी की टीम केरला टीम को आउट नहीं कर पा रही है। वीक प्लेसेस वाले प्लेयर्स को
अगर हम मैदान में उतारेंगे तो रनर्स उलझन में हैं, इसलिए इस फ्री प्लेस में आए हुए प्लेयर्स 1 मिनट में तीनों आउट हो जाएंगे। हे राजेश, जिन प्लेयर्स पर हमें भरोसा नहीं था वही प्लेयर्स कितनी अच्छी तरह डाइव मार के इस मैच को आगे लेकर जा रहे हैं। हेलो सर, राजा भाई स्टेशन में आए हैं, आप आ रहे हैं क्या? ओके सर। भाई कहाँ है? ग्राउंड के पास। टीवी में लाइव देख रहा हूँ, वहाँ जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं उन्हें मौत की नींद सुला दो। ठीक है भैया। तो राजा लग रहा था लेकिन वास्तव में तो ये राक्षस है। अरे गेम चल रहा है, पावर कट कैसे हो गया? क्यों रे, डर लग रहा है क्या? जुबान से आवाज नहीं निकल रही है। बच्चों के भविष्य के लिए आपसे एक या दो बार नहीं 100 बार भी झगड़ा कर सकता हूं, पर उनकी जान लेने के लिए भले ही यमराज ही क्यों ना बैठा हो, आपका गुस्सा मुझ पर होना चाहिए, उन बच्चों पर नहीं। प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें। मेरा कॉलर पकड़कर तूने मुझे मारा था, वो बात मैं अब तक नहीं भूला। राजा जैसा घूमने वाला मैं, मेरी हालत जानवर जैसी कर दी थी। गुस्सा, बदले की भावना, ये सब आपने बढ़ाया है, पर मेरी दुनिया खेल और स्वास्थ्य है। 100 में से 95 लोग खेल कूद की उम्र में खेलने की बजाय उसी ग्राउंड के आसपास वॉकिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चों से खेल खिलाकर एक तरह से उनकी इम्यूनिटी बढ़ा रहा हूं, पर आप मेरे लक्ष्य के बीच आ रहे हैं। कभी ना कभी तो इंसान की मौत निश्चित है, बदले के नाम पर अपनी लाइफ और टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कितना भी बोल ले मैं कन्विंस नहीं होऊंगा, मैं पक्का उन्हें मार डालूंगा। ऐसा क्या करूं कि आप मेरे बच्चों को छोड़ दोगे? आपके अहंकार को मिटाने के लिए मैं आपके पैर पड़ने के लिए भी तैयार हूं। बच्चों की जिंदगी प्लीज भीख में दे दीजिए, उसमें आपका बेटा भी तो है। वाओ, वंडरफुल डाइविंग! पता नहीं कौन सी टेक्निक यूज कर रही है, पर एबी की टीम जीत की तरफ बढ़ रही है। इस पॉइंट से मैच ड्रॉ हो गया है। इसी के साथ केरला का तीसरा बैच मैदान में उतर गया है। कुछ ही पलों में ये पता चल जाएगा कि ये मैच केरला की टीम का है या एपी की टीम का। खो। अरे अखिल, टाइम हो रहा है यार, तुझे अगर चांस मिले तो छोड़ना नहीं। अगर ये खेल हम अच्छे से नहीं खेल पाए तो उन खिलाड़ियों के दिलों में खुशी कभी भी लेकर आ नहीं पाएंगे। तो तुम सबको अगर हासिल करना है
तो अभी तुम्हारी उम्र से ही शुरू करना होगा। अखिल, हम जीत गए यार। भले ही हमें खेल नहीं आता हो, पर हमारे कोच की बताई हुई रणनीति की वजह से हम जीत गए। इनकी मेहनत के सामने पापा का बदला बहुत छोटा नजर आ रहा है। आई डिड अ बिग मिस्टेक। अगर इसी तरह बदले की भावना को बढ़ाता रहा तो मरते दम तक ऐसे ही रहूंगा। जैसा ये बोल रहा है, एक पल के लिए अगर मैं सोचूं तो स्वार्थ से ज्यादा कुछ नहीं है ऐसा लग रहा है। सोचा था कि मैं सुधर जाऊं, तुम्हारे अंदर बदलाव आए, इसलिए मैं अब तक खामोशी से बात कर रहा था। अगर मैं एक पल के लिए भी तुम्हारी तरह सोचूं तो मेरे लिए चाकू पकड़ना कोई नई बात नहीं होगी। बदला लेने के लिए प्लान बनाकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जहां मिलेगा वहीं टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। सर, आपने जब पैर पकड़ने की बात की थी तभी मुझे बहुत दुख हो रहा था। भगवान ने जो जान दी है उसे कोई चाहे तो एक सेकंड में निकाल सकता है, लेकिन इंसान के अंदर जो अहंकार है उसे कोई निकाल कर दिखाए। आपने वो भी करके दिखाया। आप हैं सर असली हीरो। सैल्यूट सर। नमस्ते सर, कोर्ट बेल पेपर। ओके, लेकर जाइए। थैंक यू सर। ओके सर। चलो चलो बेटा। राजा भाई, यहां पर साइन कर दीजिए। बदला और नफरत को भूल के खुशी से रहेंगे, सब भूल जाते हैं। एसआई साहब, मेरे भाई को अरेस्ट कर लो। भाई, आपने भाई के साथ ऐसा क्यों किया? इस बदले और नफरत को अगर साइड में रख दे तो बहुत दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलो ग्राउंड का एक राउंड लगाते हैं। फिर क्या होगा भाई? इतने दिनों तक उसने बहुत तकलीफ उठाई, कुछ दिनों तक जेल में रिलैक्स करने दो, बाद में मैं उसे खुद बाहर निकाल लूंगा।
इसका रंग कभी भी मिट सकता है, पर इसकी जो यादें हैं वो हमारी जिंदगी से कभी नहीं मिट सकती। आप लोग बहुत कोशिश कर लो, हासिल करने तक लड़ते रहो, ऐसी यादों की बौछार जिंदगी भर आपके ऊपर बरसती रहेगी और तभी आप लोग कई लोगों के लिए आदर्श बनकर लोगों के दिलों पर राज करोगे। ऐसे गांव के खेलों को प्रोत्साहन देने की वजह से बच्चों को मानसिक खुशी के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य का फायदा हो, ऐसी हमारी छोटी सी कोशिश है।